हेलो स्टूडेंट, हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे थे। थर्मोडायनेमिक्स के लास्ट लेक्चर में मैंने आपको जूल्स लॉ के बारे में बताया था, जूल्स लॉ और जूल कोफिशिएंट के बारे में बताया था। जूल्स लॉ में मैंने आपको ये बताया था कि जूल्स लॉ जो है वो ये एक्सप्लेन करता है, या जूल्स लॉ ये कहता है कि आइडियल गैस के लिए इंटरनल एनर्जी ओनली टेम्परेचर का फंक्शन होती है। अर्थात आइडियल गैस की इंटरनल एनर्जी जो है वो वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करती, ओनली टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। अगर कांस्टेंट टेम्परेचर पर वॉल्यूम के सापेक्ष इंटरनल एनर्जी चेंज देखा जाए तो आइडियल गैस के लिए कांस्टेंट टेम्परेचर पर वॉल्यूम के सापेक्ष इंटरनल एनर्जी चेंज क्या होता है? जीरो होता है। आज हम बात करेंगे जूल थॉमसन इफेक्ट की, ठीक है? तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा जूल थॉमसन इफेक्ट। तो ये जो जूल थॉमसन इफेक्ट है ये एंथैल्पी से रिलेटेड है, जबकि जूल्स लॉ जो था वो इंटरनल एनर्जी से रिलेटेड है। तो जूल थॉमसन इफेक्ट को एक्सप्लेन करने से पहले मैं जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट की बात कर लेती हूं। जूल्स थॉमसन एक्सपेरिमेंट क्या था? जूल्स थॉमसन एक्सपेरिमेंट, जूल थॉमसन ने एक्सपेरिमेंट के दौरान क्या किया, एक ताप अवरोधी पदार्थ की ट्यूब ली। इस ट्यूब में एक पोरस प्लग लगा हुआ था और इस पोरस प्लग के दोनों साइड में, इस पोरस प्लग के दोनों साइड में दो पिस्टन लगे हुए थे, फ्रिक्शन लेस और वेट लेस दो पिस्टन लगे हुए हैं, ए और बी। ये पिस्टन ए है और ये दूसरा वाला पिस्टन इस पोरस प्लग के बिल्कुल पास में है, इस तरह से बिल्कुल पास में सटा हुआ है इसके। ये पिस्टन बी है। पिस्टन ए और पोरस प्लग प्लग के बीच में गैस फिल की हुई है जिसका वॉल्यूम V1 है और प्रेशर P1 है, ठीक है? ये पिस्टन B और ये पिस्टन A। और गैस का टेम्परेचर नोट करने के लिए थर्मामीटर लगाया हुआ है। जूल्स थॉमसन एक्सपेरिमेंट में, जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट क्या था? जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट में एक ताप अवरोधी पदार्थ की नलिका ली। ये ताप अवरोधी पदार्थ की कोई ट्यूब है, इस ट्यूब में एक पोरस प्लग लगा दिया, पोरस प्लग के दोनों साइड में दो पिस्टन, दो वेटलेस और फ्रिक्शन लेस पिस्टन लगा दिए, ए और बी। पिस्टन ए और पोरस प्लग के बीच में गैस फिल कर देगी जिसका वॉल्यूम V1 है और प्रेशर माना कि क्या है, P1 है। एक्सपेरिमेंट के दौरान उन्होंने क्या किया, इस पूरे सिस्टम को उन्होंने थर्मोस्टेट में रखा, यानी एडियाबेटिक कंडीशन में रखा। जब पिस्टन ए पर प्रेशर लगाया जाता है तो गैस जो होती है वो एक्सटेंड होती है और इस पोरस प्लग से होते हुए पिस्टन बी की तरफ एक्सपेंड होती है। तो मान लीजिए ये स्टेट फर्स्ट है, लास्ट स्टेट में क्या होगा, ये जो पिस्टन ए जो है वो इस पोरस प्लग के पास आ जाएगा और पिस्टन बी एक्सटेंड होके इधर चला जाए। यानी गैस एक्सपेंड होकर पिस्टन बी और पोरस प्लग के बीच में फिल हो जाएगी। अब मान लीजिए गैस का प्रेशर P2 है और वॉल्यूम क्या है, V2 है। P2
T2, T1, ठीक है, ये स्टेट सेकंड, स्टेज सेकंड। तो इस एक्सपेरिमेंट के दौरान उन्होंने क्या किया कि जब पिस्टन ए पर एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई किया जाता है तो गैस एक्सपेंड होगी, गैस पोरस प्लग से होते हुए ये जो पिस्टन बी है इस पे प्रेशर डालेगी, जिसकी वजह से गैस आगे की ओर एक्सपेंड होगी और ये पिस्टन धीरे धीरे पोरस प्लग के पास आ जाएगा और गैस जो होगी वो पिस्टन बी की साइड में एक्सपेंड हो जाएगी। तो जब ये गैस इतनी एक्सपेंड हुई तो मान लीजिए गैस का वॉल्यूम तो V1 से क्या हो गया V2 हो गया और प्रेशर P1 से क्या हो गया P2 हो गया। तो पिस्टन ए पर किया गया कार्य या फिर मैं ये कहूं गैस के सर्पिडन कंप्रेशन के लिए किया गया कार्य इक्वल टू PdV, प्रेशर कितना है P1 है, वॉल्यूम कितना चेंज हुआ है V1 से कितना हो गया 0। देखिए पहले पोरस प्लग के बीच में और पिस्टन ए के बीच में गैस का जो वॉल्यूम था V1 था, जैसे ये पिस्टन जो है वो पोरस प्लग के बिल्कुल अटैच हो गया तो यहां गैस का वॉल्यूम कितना हो गया V2 कितना हो गया 0 हो गया, V2 कितना हो गया 0 इक्वल टू P1 तुम लिखेंगे 0 माइनस V1 इक्वल हो जाएगा माइनस P1 V1। पिस्टन पिस्टन बी द्वारा किया गया कार्य या गैस के प्रसारण एक्सपेंशन के लिए किया गया कार्य इक्वल टू होगा समेशन P2, प्रेशर P2 है, dV वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम स्टार्टिंग वॉल्यूम V1 क्या है 0 है और लास्ट वॉल्यूम क्या हुआ V2 है इक्वल टू P2 V2 माइनस 0 यानी W2 क्या आ गया P2 V2, W1 क्या आया था अपना माइनस P1 V1। तो टोटल वर्क यानी गैस पर किया गया गैस या सिस्टम का टोटल वर्क W1 प्लस W2, तो W इक्वल टू होगा W1 कितना है माइनस P1 V1 और W2 कितना है P2 V2, तो W इक्वल टू होगा P2 V2 माइनस P1 V1। ये टोटल वर्क आ गया। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्यू इक्वल टू डेल ई प्लस W। देखिए यहां पे जब गैस को एक्सपेंड किया जा रहा है, गैस का जब एक्सपेंशन किया जाता है तो एडियाबेटिक कंडीशन में किया जाता है, क्योंकि हमने क्या लिया ताप अवरोधी पदार्थ से बनी हुई ट्यूब ली है और उस पूरे सिस्टम को हमने थर्मोस्टेट में रखा है, यानी कि हीट का कोई एक्सचेंज नहीं हो रहा। तो चूंकि एडियाबेटिक कंडीशन है सो क्यू इक्वल टू क्या होगा 0। देखिए जब एडियाबेटिक कंडीशन है तो हीट का एक्सचेंज नहीं हो रहा, तो हीट का एक्सचेंज नहीं हो रहा जब आप गैस को एडियाबेटिक कंडीशन में एक्सपेंड करा रहे हो, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ एक्सपेंड करा रहे हो, तो गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो वांडरवाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होंगे उनको तोड़ने के लिए
एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, इस एनर्जी, ये जो रिक्वायर्ड एनर्जी होगी या फिर हम कहें कि गैस का एक्सपेंशन करने के दौरान जो वर्क किया जाता है उसके लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, वो एनर्जी गैस या फिर कहेंगे सिस्टम की इंटरनल एनर्जी की इंटरनल एनर्जी का मिलेगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, सिस्टम की इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, या फिर कहें सिस्टम का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और तो जो इंटरनल एनर्जी चेंज होगा वो क्या लिखेंगे, यानी क्यू इक्वल टू जीरो है तो डेल ई इक्वल टू क्या होगा, डब्ल्यू, और डेल ई ई टू माइनस ई वन, डब्ल्यू क्या है, माइनस डब्ल्यू हो जाएगा, ये माइनस पी टू वी टू पी वन वी वन। E2 प्लस पी टू वी टू इक्वल टू, ये इधर ले आई मैं, जब ये माइनस का इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, ये माइनस ई वन जब इधर आ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस पी वन बी वन प्लस ई वन, तो एच वन इक्वल टू क्या आ गया, एच टू, यानी कि मैं कह सकती हूँ सॉरी एच टू इक्वल टू क्या आ गया, एच वन, यानी मैं कह सकती हूँ एच टू माइनस एच वन इक्वल टू जीरो, या फिर कहूं डेल एच इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि जब गैस का एडियाबेटिक कंडीशन में, एडियाबेटिक कंडीशन में जब गैस को एक्सपेंड किया जाता है, रियल गैस को एक्सपेंड किया जाता है, तो गैस की एंथैल्पी में कोई चेंज नहीं होता, यानी एंथैल्पी चेंज क्या होगा, जीरो होगा। देखिए इंटरनल एनर्जी यहां पे चेंज हो रही है रियल गैस की, क्योंकि जब आप एडियाबेटिक कंडीशन में रियल गैस को हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ एक्सपेंड करोगे तो जो गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो वान डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उनको तोड़ने के लिए आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, या फिर कहें एडियाबेटिक कंडीशन में आप गैस को एक्सपेंड कर रहे हो तो जो वर्क कर रहे हो उसके लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, वो जो एनर्जी होगी वो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी की फॉर्म में खर्च होगी। ठीक है, तो जिसकी वजह से उसकी इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी, तो जो सिस्टम है या फिर कहें गैस है उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो इंटरनल एनर्जी इस एक्सपेरिमेंट के दौरान चेंज हो रही है लेकिन एंथैल्पी चेंज नहीं हो रही है, यानी कि हम कहें कि रियल गैस को जब एडियाबेटिक कंडीशन में हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ एक्सपेंड किया जाता है तो एंथैल्पी में कोई परिवर्तन नहीं होता, एंथैल्पी चेंज क्या होता है, जीरो होता है। तो इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने देखा कि जब रियल गैस को एडियाबेटिकली एक्सपेंड किया जाता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ एडियाबेटिकली एक्सपेंड किया जाता है, तो गैस का टेम्परेचर क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, जिसे क्या कहते हैं, जूल थॉमसन इफेक्ट, या फिर कहें शीतलन प्रभाव कहा जाता है। यानी जूल थॉमसन इफेक्ट क्या कहता है, जूल थॉमसन इफेक्ट ये कहता है कि जब रियल गैस को या वास्तविक गैस को एडियाबेटिक कंडीशन में हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर एक्सपेंड किया जाता है तो गैस का टेम्परेचर कम हो जाता है, इसे जूल थॉमसन इफेक्ट या शीतलन प्रभाव कहा जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब गैस को एडियाबेटिकली एक्सपेंड किया जाएगा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ तो जो वर्क किया जाएगा, या फिर मैं कहूं कि गैस के मॉलिक्यूल में जो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो वान डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उनको तोड़ने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वो एनर्जी सिस्टम अपनी इंटरनल एनर्जी से लेगा, तो जिसकी वजह से उसकी इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी, यानी मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो डिक्रीज होगी, या फिर कह सकते हैं कि सिस्टम का टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा। ये जो टेम्परेचर डिक्रीज होगा, ये टेम्परेचर जो होगा वो पोरस प्लग के दोनों साइड में जो प्रेशर डिफरेंस है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यानी पोरस प्लग के दोनों साइड में गैस के प्रेशर में जो भी डिफरेंस रहेगा, जितना ज्यादा डिफरेंस रहेगा गैस का टेम्परेचर उतना ही क्या होगा, डिक्रीज होगा। ये था जूल थॉमसन इफेक्ट, या फिर कह सकते हैं कूलिंग इफेक्ट या शीतलन प्रभाव, जिसे जूल थॉमसन ने अपने एक्सपेरिमेंट से प्रूव किया। अब हम बात करते हैं जूल थॉमसन कोफिशिएंट।
म्यू जेड टी जूल थॉमसन कोफिशिएंट। देखिए वी नो दैट, हम जानते हैं कि एंथैल्पी जो होती है वो टेम्परेचर और प्रेशर का फंक्शन होती है, यानी रियल गैस की अगर हम बात करें तो एंथैल्पी जो होती है वो टेम्परेचर और प्रेशर पर डिपेंड करती है, यानी कि एंथैल्पी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। इसका अगर पार्शियल डिफरेंशिएशन करें तो dS इक्वल टू डेल एच अपॉन डेल टी कॉन्स्टेंट प्रेशर dT प्लस डेल एच अपॉन डेल पी कॉन्स्टेंट टेम्परेचर dP। तो dS इक्वल टू, देखिए हम जानते हैं कि कॉन्स्टेंट प्रेशर पर टेम्परेचर के सापेक्ष जो एंथैल्पी चेंज होता है वो स्थिर दाब पर उष्माधारिता कहलाते हैं। ये अपन ने पढ़ा था Q अपॉन डेल टी कॉन्स्टेंट प्रेशर, ठीक है। कॉन्स्टेंट प्रेशर पर ये जो Q होता है वो एंथैल्पी चेंज के इक्वल होता है, ठीक है। यानी कि कॉन्स्टेंट प्रेशर पर टेम्परेचर के सापेक्ष जो एंथैल्पी चेंज होता है वो स्थिर दाब पर उष्माधारिता के इक्वल होता है। तो इसे मैं लिख सकती हूं Cp dT प्लस डेल एच अपॉन डेल पी टी dP। अभी हमने प्रूव किया था कि जो dH है एंथैल्पी चेंज है, यानी कि जब एडियाबेटिक एक्सपेंशन कर रहा हो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, जब एडियाबेटिक एक्सपेंशन हो रहा है गैस का तो एंथैल्पी चेंज क्या होता है, जीरो, क्योंकि एडियाबेटिक एक्सपेंशन में गैस के लिए dH इज इक्वल टू क्या होगा, जीरो होगा, एंथैल्पी चेंज क्या होगा, जीरो। तो जीरो इक्वल टू Cp dT प्लस डेल एच अपॉन डेल पी कॉन्स्टेंट टेम्परेचर dP। Cp dT इधर आ जाएगा माइनस Cp dT इक्वल टू डेल एच अपॉन डेल पी टी dP। अब ये Cp तो इधर चला जाएगा और dP इधर आ जाएगा, तो डेल टी अपॉन डेल पी एंथैल्पी कांस्टेंट है, dH जीरो तो कांस्टेंट एंथैल्पी, Cp इधर चला जाएगा तो Cp वन अपॉन Cp माइनस डेल एच अपॉन डेल पी टी, ये वाली टर्म आ जाएगी। तो ये जो टर्म है यानी कांस्टेंट एंथैल्पी पर प्रेशर के सापेक्ष जो टेम्परेचर चेंज होता है उसे हम एक कोफिशिएंट से याद करते हैं जिसे हम कहते हैं जूल थॉमसन कोफिशिएंट, ठीक है। यानी कि जूल थॉमसन कोफिशिएंट क्या है, म्यू जेड इज इक्वल टू है कांस्टेंट कांस्टेंट एंथैल्पी पर प्रेशर के सापेक्ष टेम्परेचर चेंज, ये किसको एक्सप्रेस करता है, एक कोफिशिएंट को एक्सप्रेस करता है जिसे जूल थॉमसन कोफिशिएंट कहते हैं। तो म्यू जेड इक्वल टू आ गया माइनस वन अपॉन सीपी डेल एच अपॉन डेल पी टी, ये होता है जूल थॉमसन कोफिशिएंट, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि रियल गैस के लिए और आइडियल गैस के लिए जूल थॉमसन कोफिशिएंट को कैसे ज्ञात करेंगे, यानी जूल थॉमसन कोफिशिएंट का मान आइडियल गैस के लिए क्या होगा और रियल गैस के लिए क्या होगा। जूल्स थॉमसन कोफिशिएंट फॉर आइडियल गैस, म्यू जेड इक्वल टू माइनस वन अपॉन सीपी डेल एच अपॉन डेल पी एट कॉन्स्टेंट टी। We know that enthalpy जो होती है वो किसी भी सिस्टम की एंथैल्पी
उसकी इंटरनल एनर्जी और दाब आयतन गुणनफल के योग के इक्वल होती है। ठीक है, डिफरेंशिएट द अबोव इक्वेशन dH इक्वल टू, चलो सीधा ही पुट कर देते हैं, डिफरेंशिएट की जरूरत ही नहीं। सो μZT इक्वल टू माइनस वन अपॉन सीपी, देन H की वैल्यू कितनी है, E प्लस पीवी डीपी टी। μZT इक्वल टू होगा माइनस वन अपॉन सीपी डेल ई अपॉन डेल पी कॉन्स्टेंट टेम्परेचर प्लस डेल पीवी अपॉन डेल पी कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, देखिए इस इक्वेशन को मैं ऐसे भी लिख सकती हूं, μZT इक्वल टू माइनस वन अपॉन सीपी, ये वाली जो टर्म है डेल ई अपॉन डेल पी एट कॉन्स्टेंट टी, इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ डेल ई अपॉन डेल वी एट कॉन्स्टेंट टी इंटू डेल वी अपॉन डेल पी एट कॉन्स्टेंट टी। ठीक है, एक ही बात है, यहां मैंने डेल वी को ऊपर नीचे दोनों साइड से इंटू किया है। ठीक है, तो ओवरऑल डेल ई अपॉन डेल पी एट कॉन्स्टेंट टी आएगा प्लस डेल पी वी अपॉन डेल पी कॉन्स्टेंट टी। अब देखिए आइडियल केस के लिए कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पर वॉल्यूम के सापेक्ष इंटरनल एनर्जी चेंज क्या होता है, जीरो होता है। ये जूल्स एक्सपेरिमेंट के द्वारा हमने एक्सप्लेन किया था, इसको प्रूव किया था। ठीक है, फॉर आइडियल केस डेल ई अपॉन डेल बी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इक्वल टू जीरो, सो डेल ई अपॉन डेल बी टी इंटू डेल वी डेल पी टी, ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, एक तरह से जीरो हो जाएगी। ठीक है, यानी कि ये वाली वैल्यू जब जीरो है तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, सीपी से इंटू की ये पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। यानी टेम्परेचर क्या है, कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पर वॉल्यूम के सापेक्ष इंटरनल एनर्जी चेंज तो हो गया जीरो, और कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पर पीवी इक्वल टू एनआरटी, कॉन्स्टेंट टेम्परेचर होगा तो आर भी कॉन्स्टेंट होगा और कंपोजिशन तो हमने वैसे ही फिक्स लिया है, यानी एनआरटी भी क्या हो जाएगा, कॉन्स्टेंट। तो कॉन्स्टेंट का डिफ्रेंशिएशन अगर करेंगे तो कॉन्स्टेंट का डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा, जीरो आएगा। तो ये वाली वैल्यू भी जीरो, ये वाली भी वैल्यू जीरो, यानी कि हम लिख सकते हैं μZT इक्वल टू जीरो फॉर आइडियल गैस। आइडियल गैस के लिए जूल थॉमसन कोफिशिएंट का मान जीरो होता है, यानी आइडियल गैस जो होती है वो जूल थॉमसन इफेक्ट शो नहीं करती, जूल थॉमसन इफेक्ट का मान शून्य होता है, क्योंकि आइडियल गैस के मोलिक्यूल्स के बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता। ठीक है, तो ये कूलिंग या फिर कहें हीटिंग कोई भी इफेक्ट शो नहीं करती। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम रियल गैस के लिए जूल थॉमसन कोफिशिएंट देखेंगे, इसके अलावा इन्वर्जन टेम्परेचर की बातें करेंगे। तो इसके अलावा